खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। जैसा कि सभी जानते हैं, पूरे देश प्रदेश और सभी जिलों में कोरोना महामारी का प्रकोप बड़े ही बेकाल रूप से आया था। अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके, कुछ अस्पताल में अपनी जिंदगी मौत से जूझते रहे। ऐसे में सत्ता जो है वर्तमान केंद्र प्रदेश में, उसके द्वारा किस तरह की मरीजों के साथ विसंगतियाँ हुई, क्या उनका सहयोग मिला और क्या असहयोग की भावना रही। ऐसे में हमारी कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को लेकर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य झांसी से आगमन हुआ है। वह आज नगर अध्यक्ष नवनीत किलेदार के आवास पर प्रेस वार्ता के तहत वह वर्तमान सरकार के कोरोना महामारी के अंतर्गत जो तालमेल का असंजमय हुआ है, उसके संबंध में वह क्या कहना चाहते हैं, हम बात करते हैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से। मंत्री जी, जो कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे जनपद बुंदेलखंड में रहा, आपने आंखों देखा, हाल देखा, जहां मानवता के अंतर्गत वर्तमान सरकार का जो असहयोग भावना था, तो वहीं सरकार सत्ता में होने के बाद भी असहयोग की भावना, दोनों के अंतर्गत मानवीय जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ऐसे में आप पार्टी के नेता हैं, आपका क्या रवैया, क्या सोच है माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में? हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो बोलते हैं उसको करने का काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखा है, तो वो 35,000 करोड़ से देश के हर राज्य के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाएं। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाए, प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट हुए, तो उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि एक संत, एक साधु जब ये बात बोलता है तो वो बात पूरी करता है। वो कहते हैं कि रकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो योगी जी, आपने वचन दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जो वहाँ का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, हम भुगतान करेंगे, आप भुगतान करिए। आज इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। आज पिछले महीने हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की डोज थी, जो प्रोडक्शन था और जो इन्होंने लगाने की स्थिति कही है, 7 करोड़ वैक्सीन का निर्माण हुआ था। इन्होंने कहा कि इस महीने में हम 12 करोड़ लोगों को लगाएंगे, तो ये आंखों में धूल क्यों झोंक रहे जनता के? आप कहां से वैक्सीन पैदा कर लेंगे? या एक वैक्सीन जो 10 लोगों के लिए वायल रहती है उसको 20 लोगों में लगा देंगे, या इसमें भी जुमले 15 लाख जैसे? अरे ये मौत का तांडव मत होने दो। हिंदुस्तान में जो कोरोना आया है वो आपकी देन है मोदी जी। आप दीदी ओ दीदी खेलवा और पूरे देश को इन्होंने चुनाव में झोंक दिया। वहाँ इनने तो मुँह की खाई, इनने पूरी अपनी एनर्जी राहुल गांधी को हटाने में लगा दी, उनकी छवि को ख़राब करने में लगा दी कि ये झूठ बोलते हैं, सनसनी फैलाते हैं। अरे इतना फोकस अगर ये कोरोना पे लगा देते तो गंगा माँ की गोद में जो हजारों लाशें गिरी, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वो लाशें बाहर नहीं जाती। लाखों लोग जो देश के अंदर मरे वो नहीं मरते। अब तीसरी लहर का खतरा है, दुनिया के 2-3 देशों में तीसरी लहर आ गई। हमारे देश के अंदर भी अहमदनगर महाराष्ट्र का जो है, वहाँ तीसरी लहर से बच्चे संक्रमित हो गए, लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं है। पहले भी WHO ने लेटर दिए थे जिस समय आप चुनाव लड़ने में व्यस्त थे कि आपके पास वेंटिलेटर यूनिट नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास ICU बेड नहीं है, आपके पास क्रिटिकल केयर के यूनिट नहीं है, आप करिए। लेकिन आप तो 150 देशों को वैक्सीन बांट रहे थे। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, अब बांग्लादेश पहुंच गए, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हो गए। आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, उस स्थिति में कोरोना से निपटने के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने एक ब्लूप्रिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 35,000 करोड़ आपको मिले हैं, आप
अगर इसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे अनुभवी लोगों को बुला लें, क्योंकि आप तो सिर्फ इलेक्शन मोड में रहते हैं। आज आपकी फिर से चालू हो गई चुनावी रणनीति, यूपी को कैसे जीतना है, कितनी सीटें मिलेंगी, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, किसानों की क्या स्थिति है, दुकानदारों की क्या स्थिति है, ठेले वालों की क्या स्थिति है, साइकिल वालों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि 1680 लोगों ने पंचायत चुनाव में अपनी जान गंवा दी। आप कह रहे केवल 3 लोग मरे। आरएसएस की मीटिंग दिल्ली में चल रही, लेकिन कोई रणनीति वैक्सीनेशन के लिए नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगना चाहिए और ये उसका हक है। ये आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट दीजिए। इस महीने में 60% लोग ऐसे हैं जो कि नेट पे नहीं है, ऑफलाइन है, उनको कैसे वैक्सीन लगवाएंगे? मंत्री जी, हमारा जनता की तरफ से एक सवाल है कि पूर्व में जो चुनाव हुए हैं और वर्तमान में लॉकडाउन लगा था, तो चुनाव होना और लॉकडाउन का होना सरकार की किस तरह की नीति है आपकी नज़र में? मुंह में राम बगल में छुरी, ये नीति इस सरकार की है। ये सरकार गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। एक तरफ जहां लोगों से कहेगा मास्क लगाओ, वहीं जब हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कम से कम दर्जनों लोग उनके पास खड़े रहते हैं। उस समय कोई नियम कानून लागू नहीं होता, उस समय इनकी कोई नीति निर्धारित नहीं होती है। ललितपुर के अंदर आज भी वेंटिलेटर यूनिट नहीं है। यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं है? झांसी जाते थे, मेडिकल में जगह नहीं मिली, फ़ोन आता था प्राइवेट नर्सिंग होम में, वहाँ एक में नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली। कम से कम सैकड़ों लोगों ने तो रास्ते में दम तोड़ दी। और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में कोरोना से व्यक्ति मरा ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 लाख रुपए शिक्षकों को ड्यूटी पर मौत होने पर दिए, इस पर आपका क्या कहना है? 1680 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए ने देना चाहिए। उन्होंने आपके कहने पे, आपने कहा कुएं में कूद जाओ, जलती आग में चले जाओ, सब लोग जानते थे कि कोरोना से इनकी मौत हो सकती है। उनका परिवार टूट गया है, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, हर परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और 1680 अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता और वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो, तो वो हॉस्पिटल में किसी बीमारी से डेथ नहीं हो रही, उसकी एक्सीडेंट की वजह से हो रही। ऐसे ही जितने लोग कोरोना संक्रमित हुए, उन्हें आप नेगेटिव पॉजिटिव के चक्रव्यूह में आंकड़ों से हटा दीजिए। आप हर को 1 करोड़ रुपए दीजिए, परिवार में एक को नौकरी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको तत्काल जो लोग और भी मृत हुए हैं कोरोना में, उनके परिवारजनों के लिए भी कोई ना कोई कल्याण की योजना बनाना चाहिए। 3 महीने तक बिजली का बिल स्थगित करना चाहिए और 10,000 रुपये हर गरीब व्यक्ति के खाते में इन्हें डालना चाहिए। झांसी में ऑक्सीजन प्लांट की योजना बन चुकी है, इसमें आपका क्या कहना है? ऑक्सीजन प्लांट तो इस सरकार की मनसा ही नहीं है। हम देखें अभी बेतवा केन लिंक परियोजना में 18 लाख पेड़ काटना है, 2,15,000 पेड़, हीरा तो निकलना केवल 68 हेक्टेयर में, लेकिन 385 हेक्टेयर का जंगल जिसमें 150-200 साल पुराने पेड़ हैं, एक पेड़ नहीं लगवाते जे, उनको भी कटवाने की इन्होंने पूरी मंशा बना ली है। तो ऑक्सीजन प्लांट कितने भी लग जाएं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पेड़ों से, हम बचाव नहीं कर सकते। झांसी में लगा है, ललितपुर में लगना चाहिए। कल पर्यावरण दिवस है, इस पर्यावरण दिवस पर जो आगामी 5 जून को हो रहा है जिला, उसमें कांग्रेस क्या नए स्तर से संदेश देना चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि लोग पेड़ों को कटने से बचाएं। और बुंदेलखंड के अंदर जिस तरह से अभी आदित्य बिरला ग्रुप ने 2,15,000 पेड़ों के काटने के लिए शिवराज सिंह सरकार से अनुमति मांगी है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। कल का एजेंडा क्या रहेगा पढ़ना दिवस का जो कांग्रेस के? हम लोग स्थानीय स्तर पर, हमारे अध्यक्ष जी बहुत सक्रिय हैं पूरे युवक कांग्रेस नगर शहर जिला दोनों, तो ये पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे। वहीं लोगों से ये आह्वान करेंगे कि नए पेड़ तो लगाएं, लेकिन पुराने पेड़ों को भी नहीं कटने दें। कोरोना महामारी से जहां मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से घातक हुई और मानवों की मौत हुई बेवजह, ऐसे में किल्लत सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम है, ललितपुर जनपद में पानी और बिजली की समस्या है, इस पर
कांग्रेस कमेटी का आगामी वर्तमान क्या एजेंडा है? कांग्रेस कमेटी हमेशा आंदोलनरत रही। हमारे जितने भाई हैं आपने देखा होगा, ये गाय गंगा की बात करते थे, गौ माता कहते थे, लेकिन गौ माता को जिस हत्यारे ढंग से इन्होंने मरवाने का काम किया, कांग्रेस ने वो आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने बिजली हो पानी हो हर आंदोलन करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी उस पर जुट गई है। हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे ब्लॉक स्तर पर कोविड हेल्प डेस्क बनी है, जिसमें हम मास्क बांटेंगे, सैनिटाइजर देंगे और मेडिकल किट देंगे। और उसका लक्ष्य यही है कि सरकार तो वैक्सीन नहीं लगवा रही, लेकिन हम कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के सौजन्य से जो सामग्री प्राप्त हुई है उससे हम अपने आप का बचाव करें। ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने समस्या का जो पिटारा था उस पिटारे को खोला, एक एक करके उस पिटारे की समस्याओं को आम जनता के समक्ष रखा। जनता के समक्ष रखने के साथ साथ उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए वह स्वयं नेतृत्व देते हुए अपने बुंदेलखंड और जिले स्तर के कांग्रेसियों को आह्वान करते हैं कि इन समस्याओं के निस्तारण से जी जान से जुट जाएं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के अंतर्गत उनकी अपनी योजना है मानव जीवन बचाने के लिए। वहीं कल पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वह पर्यावरण के अंतर्गत जो आने विसंगतियाँ उनके विरोध में वह अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस तरह केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का आह्वान है कि हमें खुद को बचाना और दूसरों को बचाना है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।